दोस्तों, मैं हूं करुणा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस शो में जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। ऐसा कहा जाता है कि जो होता है दरअसल वो नहीं होता है, और जो नहीं होता है वही हकीकत होता है। हकीकत के पीछे एक रहस्य होता है और रहस्य के पीछे एक हकीकत होती है। इसमें कितना सच है और कितना झूठ, इस प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। और हम बात करेंगे आज एक ऐसी थेरेपी की जिसका नाम है कॉन्स्टलेशन वर्क। जी हाँ, जितना ये नया आपके लिए है उतना ही नया मेरे लिए भी है। इसके बारे में और जानेंगे इस थेरेपी की जानकार गीता, जो कि पूरे देश में कॉन्स्टलेशन वर्क के लिए विख्यात हैं। हम आज उनकी मदद लेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। गीता जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। गीता जी, आज आप हमें फिर से एक बार बताइए कि कॉन्स्टलेशन वर्क क्या होता है, खासकर उन ऑडियंसेस के लिए जिन्होंने इसको अभी तक नहीं देखा है, जो अभी तक इस बारे में नहीं जानते हैं। कॉन्स्टलेशन, जिसे फैमिली कॉन्स्टलेशन या सिस्टमिक कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, जो कि हमारे ज़िंदगी के हर पहलू को हम एक तरह से एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं और उसमें हम उसके रिप्रेजेंटेटिव्स डाल के उसका जो भी सबकॉन्शियस की तरफ से अपने अंदर जो होती है चीज़ें वो बाहर लाते। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी वो जिसको बोलते हैं ब्लॉक्स हैं वो सब बाहर आते हैं। नॉट ओनली ब्लॉक्स बट विच इज हिडन, विच इज नॉट येट डिस्कवर्ड। या समझो, मेरे माँ ने कभी बचपन में मुझे कहा है कि यू गुड फॉर नथिंग, तो मैं ज़िंदगी भर बोलती रहूँगी कि काम करने में भी मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे से अच्छा काम करें, या बिकॉज आई एम गुड फॉर नथिंग। एब्सोल्युटली, दैट्स अ पेरेंटल टेप मेरे दिमाग में चल रही है कि आई एम गुड फॉर नथिंग। जी, तो उस चीज़ को अगर हम डिटेक्ट करेंगे कि ये चीज़ के वजह से ये बिलीव बना हुआ है और उसके वजह से मेरी पूरी जिंदगी डिटरमिन हो रही है। पहले आप वो जड़ पकड़ेंगे, बिल्कुल, फिर आप उस पर कोई थेरेपी या सॉल्यूशन या फिर आप कुछ और रेकमेंड करते होंगे आगे। और ये हम सबसे इजीली कर सकते हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन के जरिए। अभी तक तो हमने ऐसे मेंटल स्टेट की बात की, लेकिन कई बार जो कि बहुत ही एक जनरल प्रॉब्लम है एंड यूथ खासकर इससे बहुत पीड़ित है, फिनेंशियल इश्यूज, करियर ग्रोथ नहीं होता है, कितनी कोशिश कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं पहुंच उनको वो मंजिल नहीं मिल पाती है जो वो डिज़र्व करते हैं, जो वो सच में सोचते हैं, लेकिन वो वहाँ पहुंच नहीं पा रहे होते। आपको लगता है ये कॉन्स्टलेशन वर्क ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स में भी कुछ हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी, जो हम फाइनेंसिस बोलते हैं या सक्सेस बोलते हैं। अब सक्सेस की परिभाषा ही आज की तारीख में पैसा कमाना हो गया है। जब हम अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं या हम किसी के बारे में बोलते हैं कि यार ये बंदा बड़ा सक्सेसफुल है या लड़की बड़ी सक्सेसफुल है, मोस्टली ये करियर रिलेटेड स्टेटमेंट हो गया है। और वो तभी होता है जब आप पैसे कमाते हो। तो ये आज के तारीख में पैसा सबसे ज़्यादा ताकतवर एनर्जी बन चुका है जी। और वो भी हम डेफिनेटली फैमिली कॉन्स्टलेशन के थ्रू हम उसके ऊपर उपाय भी ढूंढ सकते हैं। ज्यादातर बिलीफ सिस्टम है जिस वजह से वो ऐसा महसूस करते हैं। जी हाँ, जिसके वजह से या तो हम बहुत पैसा अट्रैक्ट करते हैं जिसे हम अबंडेंस कहते हैं, या फिर हम ब्लॉकेजेस से अट्रैक्ट करते हैं कि मैं कुछ भी करूं, जब मैं एको मिलने वाला है कुछ और मैं छूने जाऊं और मेरे हाथ से निकल इनएडिक्वेसी जिसे कहेंगे, या फिर जिस आपको कुछ मिल रहा है, आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो सडनली चली जाती है। एकदम एंड मोमेंट पे। बिल्कुल, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। एक केस हमारे पास आया जिन्होंने हमसे संपर्क किया, जो इसी ही कुछ कश्मकश से गुजर रहे हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते रुक जाते हैं। पहले बहुत अच्छा करियर था उनका। आइए उनके केस स्टडी देख लेते हैं। बिल्कुल। राहुल का जमा जमाया बिजनेस अचानक 2 साल पहले घाटे में जाने लगा। संभालने की तमाम कोशिशों के बावजूद जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो उन्होंने क्या रहस्य क्या हकीकत से संपर्क किया। वेलकम राहुल, आपका स्वागत है हमारे शो में क्या रहस्य क्या हकीकत। नमस्ते, ये हैं गीता जी जो कि कॉन्स्टलेशन वर्क की एक्सपर्ट हैं, ये आपकी मदद करेंगी। आप सबसे पहले खुद ही बताइए कि ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी के किस तरह के उतार चढ़ाव हैं जिस वजह से आपने हमें संपर्क किया, किस तरह से आप क्या फील कर रहे हैं आजकल? मैम, पिछले कुछ समय से बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, और एक समय में यही बिजनेस था जो
नंबर वन की रैंक पे पहुंच गया था, हमारे स्टेशनरी का बिजनेस है। आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। जी अच्छा। जी तो अभी सडनली कुछ समय पहले से ही अचानक से ऑर्डर आने बंद हो गए और फाइनेंशियल क्राइसिस भी शुरू हो गए, तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। लगभग कब से शुरू हुआ ये आपका, ये जो ऑर्डर्स आने बंद हुए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस, कितना टाइम पहले से शुरू हुआ? तकरीबन 2 साल पहले से। 2 साल हो गए हैं। ये आपका फैमिली बिजनेस है कि? जी फैमिली बिजनेस है। अच्छा अच्छा, सो आप बचपन से ही स्टेशनरी के बिजनेस में? जी जी। और काफ़ी अच्छा, मतलब इसकी पकड़ थी आपका, सब सही चल रहा था? मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ थी हमारी। अच्छा जी। ऑल ओवर इंडिया में हमारा माल जाता था, पर एकदम से ये सारी चीज़ें हुई और समझ में भी नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। अभी बस ये हालत है कि कुछ समय अगर ऐसा और रहा तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। मैम मैम, मैं आपको क्या क्या बताऊं कि मैं इसके लिए कहाँ कहाँ गया है। बिजनेस के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया कि कुछ हो जाए, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में किसी ने कहा कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ अच्छे, तो वहाँ पर कुछ अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि ये अंगूठियाँ पहनो, या ये रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा, और ये नग पहनने को कहा, तो पहना, पर इससे बेनिफिट नहीं मिला। तो जी तो कोल्ड हैंड को जी लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये एक सिद्ध पुरुष है, उन्होंने दिया मुझे कि इसको जितना ज़्यादा बार मैं अपने नाक के पास रखूँगा और सांस लूँगा तो उतना ज़्यादा मेरी तरक्की होगी, मेरा बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। पर तो ये अपने धागे भी बहुत तरह तरह के पहने हुए हैं। उज्जैन कहा था किसी ने जाने के लिए, तो उज्जैन भी गया था, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आप सब जगह हो आए हैं, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, सब तरह की आपने आजमाइश कर ली है जी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। डूबते को तो तिनके का सहारा चाहिए ना मैम। तो शायद इसलिए हमारे यहाँ आए हैं। तो आप क्या कहते हैं गीता, हम इनकी कुछ मदद कर सकते हैं? करने की कोशिश जरूर करेंगे। जो भी वो अब तक एक विश्वास के साथ में जो जो चीजें कर रहे हैं, उसके साथ में हम भी उन्हें रास्ता दिखाने की, या हम उन्हें वो जड़ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये इशू आया कहाँ से है। अगर 2 साल पहले बहुत अच्छा जा रहा था, तो 2 साल पहले ऐसा कुछ शायद हुआ होगा जो हम पता कर लेंगे, या इनके पूरे फैमिली में इस तरह का पैटर्न होगा तो उसे हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम फैमिली कॉन्स्टिलेशन का सहारा लेंगे, मदद लेंगे, और देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है सब। तो राहुल, तैयार हैं आप? जी जी, जी मैम बिल्कुल। थेरेपी के लिए आप परमिशन दे दीजिए हम आपके लिए। जी मैम, मेरे लिए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर इससे मेरा बिजनेस जो है, जो डूबा हुआ है, वो अगर उभर के आ जाता है, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। प्लीज जरूर, चलिए हम कोशिश कर लेते हैं आपके लिए जो मदद हो सके। जी मैम। करुणा, आज हम थोड़ा अलग तरीके से कॉन्स्टेलेशन को हैंडल करेंगे। एक बार आपने देख लिया है कि डॉल्स यूज किए, अभी हम ये नंबर्स के हेल्प से कॉन्स्टेलेशन करेंगे। थोड़ा सा समझा पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 नंबर्स रखे हुए, जो मैं अभी रिवील नहीं करना चाह रही हूँ कि 1 नेचुरली 1 राहुल। 1 का क्या मतलब है? 1 का नंबर मतलब सिर्फ है कि ये जिसका मेन कॉन्स्टेलेशन होता है उसे हम नंबर 1 राहुल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो राहुल को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी 2 जो है वो मैं इसीलिए नहीं कहना चाह रही हूँ कि आगे जाके जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी आपको भी समझ में आएगा कि मैं ये क्या डालना चाह रही हूँ। तो राहुल, अभी एक काम कर लीजिए आप, नंबर 1 इस स्क्वायर में कहाँ पे भी आपको लगता है करेक्ट पोजीशन में, आप उसको प्लेस कर दीजिए। उसके बाद में 2 का कर लीजिए और 3 को कर लीजिए। शुरू कर दीजिए। मुझे आज भी एक न्यूट्रल इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, तो आज भी एक न्यूट्रल इंसान को हम बुलाएंगे जिनका नाम है आधीर। आधीर अभी आ जाएंगे और मुझे मदद करेंगे इस प्रोसेस को। आधीर, आपका स्वागत है हमारे शो में। अभी जैसे इसने, राहुल जी ने प्लेसमेंट की है, उसके ऊपर आधीर को एक काम करना है कि आधीर वहाँ वहाँ जाएगा, उस
ब्लॉक को छू के क्या एनर्जी फील कर रहे हैं, क्या इस उससे उसको अंदर से क्या बोलना फील हो रहा है, कैसे वो बोलना चाहेगा ये बोलेगा। हालांकि आपको पता है आधीर अभी आया है, उसको इस पूरे के पूरे सिचुएशन की कोई जानकारी है नहीं। तो आधीर हम मुझे आप हेल्प कर लीजिए, पहले नंबर वन पे आप जाइएगा। एंड टेक योर ओन टाइम, जस्ट फील दैट एनर्जी। I feel very low. Mm-hmm. I feel मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है पर कर नहीं पा रहा। अच्छा। और emotional क्या? Emotion is very low. ऐसा लग रहा है कि रास्ते में काफी मुश्किलें हैं। Okay. मैं कर सकता हूँ पर मैं helpless feel कर रहा हूँ। ठीक, आप यहाँ पे अभी ये एनर्जी को क्लेंस कर लीजिए। आधीर दो नंबर पे जाके देख लो क्या फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है आपको। क्या लग रहा है आधीर आपको दो नंबर पे जाके? लिविंग नहीं है लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे में कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा। अच्छा। मैं लाइक ऐसे लग रहा है कि आई एम इट्स नॉट ह्यूमन बट ऐसे लग रहा है कि आई कैन ग्रो बट आई एम नॉट टेकन केयर ऑफ, बट आई एम नॉट ह्यूमन। टेकन केयर ऑफ। ओके ओके। सो आपकी कोई सही तरीके से आपको ध्यान नहीं दे रहा है, इस तरह की फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है। सॉर्ट ऑफ यू नो मतलब मेरे में पोटेंशियल है पर इट इज नॉट, नोबडी इज बीइंग यू नो। ओके, आपको अगर आप आँख खोल के देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में नंबर वन है। सो नंबर वन के टूवर्ड्स आपकी क्या फीलिंग है, क्या लग रहा है इसको देखते हुए कि यहाँ से एफर्ट्स नहीं आ रहे? अच्छा, नंबर वन से आपके टूवर्ड्स एफर्ट्स नहीं आ रहे जितने आप चाहते हो। ओके, इनका पार्ट नहीं लगता मैं। ओके, अच्छा। और ओके, सो जस्ट क्लेंज योरसेल्फ एंड गो ऑन थ्री। अगर आप आँख खोल के देखेंगे तो आपको कुछ दिख कैसे क्या फील आ रहा है, क्या आई फील ना लाइट्स, ऐसे जैसे लाइट्स मूव होती है ना, कोई आपको ऐसे जैसे खींच रहा हो से, और फिर कोई खींच रहा हो और लाइट्स मूव हो रही हैं एंड देन देयर आर डिफरेंट गैजेट्स एंड यू नो बीप्स एंड गैजेट्स एंड बीप्स। हां, इट्स लाइक मतलब क्या जैसे स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है ना। हाँ हाँ। यू डिटॉल से इट्स लाइक मतलब घर साफ आप कर, इट फील्स लाइक ओके, इट्स वेरी स्टेराइल एनवायरनमेंट और एकदम स्टिल है और खाली बीप्स सुनाई दे रहे हैं, सो सॉर्ट ऑफ आई गेट दैट फीलिंग। मतलब कहाँ पे हो तुम, कुछ तुम हो कि तुम मैं क्या ये है उसके साथ इसका इसका कुछ है इस इट इज स्ट्रॉन्ग ऐसे लग रहा है लेकिन नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट बट आई एम आई फील कि मैं कोई हो सकता है ऑपरेशन हो या एकदम कोई नो ब्राइट लाइट जैसे आप बीप सुनते हो बीप चालू है कोई गैजेट्स लगे हुए हैं ऐसे ऐसे फील हो रहा है। आधीर हम दो मिनट के लिए एक पॉज ले लेते, आप थोड़ा उधर हो जाइए। मैं करुणा जी आपको एक एक्सप्लेन करना चाहूँगी, कॉन्स्टेलेशन अभी कहाँ तक पहुँचा है, किस दिशा में जा पहुँचा है। नंबर वन हमने राहुल का को डाला हुआ है, नंबर टू इज़ हिज बिजनेस। ओके,
And three is the blockage, why he is not flourishing suddenly for last 2 years, okay? So when we started, it was very, I would like to ask ki kya aapko jo feelings aati hai, ki jo unhone jo rejected feeling aa raha tha, matlab bada sad sa lag raha tha tumhe, wo sab sahi ja raha tha? Usme number two jo aapka business hai, wo keh raha hai ki usme potential hai, लेकिन आपकी तरफ से वेल टेकन केयर वाला मामला नहीं आ रहा है, क्या बता सकते हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक्चुअल में कैसी है? मैम, फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत वीक चल रही है, और मतलब सारा पैसा तो अभी तक लगा चुके, जितना कमाया था इस बिजनेस में वापस लगा चुके, और बहुत पैसा आता है, टिकता नहीं है। अच्छा, मतलब पैसा आता है? जी आता है, पर टिकता नहीं है। ओके, तो करुणा जी आपने देखा, मैं राहुल से पूछना चाहूँगी एक्चुअली कि तीन नंबर पे जब आधीर ने जो इमोशंस या जो भी एनर्जी फील की है वो कुछ हॉस्पिटल की एनर्जी थी, वो कह रहा था कि लाइट्स दिख रहे हैं और सब चीज़ें दिख रही है, स्मेल भी कुछ हॉस्पिटल टाइप आ रहे हैं, सब वो देख रहा था। तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि 2 साल पहले या 2 साल के आसपास ऐसा कुछ हुआ था, या तो आपके घर के कोई हॉस्पिटलाइज हो गए या आपका कुछ? जी जी, बट इनको कैसे पता चला? अच्छा, आपकी अपनी सर्जरी हो चुकी है? जी। राहुल की सर्जरी का पता लगते ही अब एक नई उलझन शुरू हो गई है। क्या वाकई राहुल की सर्जरी और बिजनेस लॉस के बीच कोई रिश्ता हो सकता है? इस रहस्य की हकीकत को हम जानेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए क्या रहस्य क्या हकीकत। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।